गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। नेक्स्ट हमारे पास थ्योरम है कैरेक्टराइजेशन ऑफ टी टू स्पेस की कैरेक्टराइजेशन। इसमें क्या कह रहा है, एक टोपोलॉजिकल स्पेस एक्स इज टी टू स्पेस इफ एंड ओनली फॉर ऑल एक्स इज बिलोंग्स टू एक्स इंटरसेक्शन ऑफ यू एक्स। यू एक्स आपके पास क्या है, ये आपके पास नेबरहुड है, आपके एक्स वाले एक्स पॉइंट की नेबरहुड सिस्टम है आपकी ये। तो इसमें से आप क्या नेबरहुड ही लोगे, उसका क्लोजर जब करोगे नेबरहुड में से आपने क्या ले ली, पॉइंट्स उठाए हैं आपके, और उन वाले सेट्स का क्या करोगे, आप एक क्लोजर करोगे, क्लोजर करके इंटरसेक्शन करोगे, तो कह रहे हैं उसमें आपके पास क्या रहेगा, आपका एक्स कॉमन रहेगा सर। ठीक है, ये आपको क्यों करना है, तो सबसे पहले हम क्या ये बात आपकी सपोज करके चले, इफ एंड ओनली इफ में, तो सपोज करके चल रहे हैं आपके कि ये आ रहा है आपके किसके इक्वल है, एक्स के इक्वल है। तो हम जो आपके पास स्पेस है एक्स को, उसको क्या दिखाएंगे, टी टू स्पेस। ठीक है, तो स्पेस को हम यहाँ से लेके चल रहे हैं कि आपके पास क्या दो अलग अलग पॉइंट्स होने चाहिए, तो आपने वाई और एक्स ले लिए, ये आपके पास क्या डिस्टिंक्ट पॉइंट्स है। तो आपको पता है एक्स के लिए जो नेबरहुड होगी वो आपके पास क्या हो गई, यू एक्स, और यू एक्स नेबरहुड में आपको पता है आपका वाई बिलोंग नहीं करेगा, तो यू एक्स में नहीं है तो यू एक्स के क्लोजर में भी नहीं होगा वाई। ठीक है, तो वाई किसके अंदर बिलोंग करेगा, एक्स माइनस में यू एक्स के क्लोजर। ठीक है, और आपको पता है एक्स माइनस में यू एक्स आपका क्या है, ये आपके पास क्या आ जाएगा, एक ओपन सेट हो जाएगा, ओपन सेट जो किसको कंटेन करेगा, कंटेनिंग वाई। तो आपके पास क्या आ गए, दो ओपन सेट आ गए, एक आपके पास क्या आ गया यू एक्स, सेकेंड आपके पास क्या आ गया। ठीक है, आप क्या करोगे, आपके इसमें एक्स बिलोंग है, इसमें क्या है वाई बिलोंग है। ठीक है, इन दोनों का इंटरसेक्शन करोगे तो आपको पता है क्या आ जाएगा, इंटरसेक्शन इज इक्वल टू फाइव। तो दोनों आपके ओपन सेट्स क्या हैं, डिसजॉइंट। ठीक है, डिसजॉइंट ओपन सेट है, एक एक्स को कंटेन कर रहा है, सेकेंड वाई को, टी टू स्पेस की डेफिनेशन को सेटिस्फाई कर रहा है, इसका मतलब एक्स आपके पास क्या है, टी टू स्पेस। उसके बाद कन्वर्सली पार्ट आपको प्रूव करना है कि टी टू स्पेस लेके चलोगे, इनके इंटरसेक्शन में दिखाओगे कि आपके पास क्या है, एक्स कॉमन है। हमने टी टू स्पेस ले लिया ये, ठीक है, यहाँ पे फिक्स कर लिया, एक्स आपके पास एक पॉइंट है एक्स में, वाई इज नॉट इक्वल टू एक्स। तो आपको पता है देयर एग्जिस्ट, हम एक ओपन सेट एग्जिस्ट करवा रहे हैं भाई, आपके पास दो डिस्टिंक्ट पॉइंट है, टी टू स्पेस है, तो आपके पास क्या रहेगा, ओपन सेट तो रहेंगे। हम कह रहे हैं आपके पास दो डिसजॉइंट ओपन सेट्स एग्जिस्ट करेंगे, यू एक्स, ये वाई ले लिया, एंड सेकेंड आपने वी ले लिया। ठीक है, एक्स आपका बिलोंग कर रहा है यू एक्स की ये नेबरहुड में। ठीक है, एंड वाई आपका बिलोंग कर रहा है वी में, और आपको पता है ये दोनों डिसजॉइंट है, तो यू एक्स वाई इंटरसेक्शन में वी इज इक्वल टू आपका फाइव। ठीक है, आपको प्रूव क्या करना है कि आपके पास जितने भी नेबरहुड आएंगे उनके अंदर क्या आए, आपका एक्स पॉइंट कॉमन आए। तो y आपके पास किसको कंटेन कर रहा है, v आपका किसको कंटेन कर रहा है, आपके y को। ठीक है, और x आपके इसमें, और इनका इंटरसेक्शन आपके पास क्या आ गया, फाइव। तो इसका मतलब क्या है, ये x को कंटेन कर रहा है, इसके अंदर y नहीं है। ठीक है, इसके अंदर नहीं है तो y आपको पता है इसके क्लोजर के अंदर भी नहीं रहेगा। तो आप क्या कर, यहाँ से आपके पास क्या आ जाएगा, इसके क्लोजर के अंदर भी वाई नहीं है, तो आपके इसके और इसके क्लोजर का या आप इंटरसेक्शन करोगे, इंटरसेक्शन ऑफ यू एक्स वाई सभी नेबरहुड के क्लोजर की, आपके जिनके अंदर वाई कंटेन, वाई इज नॉट इक्वल टू एक्स। ठीक है, वाई आपके एक्स की इक्वल नहीं है, आप यू एक्स के उसके एक्स के क्या नेबरहुड सेट्स निकालोगे, उनका क्लोजर करोगे, उनका इंटरसेक्शन करोगे, तो आपको पता है आपके सभी में क्या आएगा, एक्स ही आएगा, वाई तो है नहीं इनके अंदर, तो एक्स है, एक्स है, एक्स आएगा, तो आपकी किसकी इक्वल आ गया, एक्स की इक्वल। फिर हम कह रहे हैं कि आपके पास ये एक्स के इक्वल आ चुके हैं, यू एक्स वाई, तो हम यहाँ से आप क्या कह सकते हो, सिंपल ये भी लिख सकते हो कि यू एक्स आपके पास ये आपके एक्स वाले का क्या है, आपके पास कलेक्शन सिस्टम है, उसमें से आप सबसेट्स उठाओगे, उनका क्लोजर करोगे, उनका इंटरसेक्शन कर रहे हो, तो यही है आपका, ये इसका सबसेट हो जाएगा, इसका सबसेट होती है एक्स के इक्वल है, और आपको पता है एक्स आपका क्या सबसेट रहेगा इन वाली नेबरहुड का इंटरसेक्शन का। तो दोनों पॉइंट से आप क्या कह सकते हो कि आपका किसके इक्वल आ जाएगा, एक्स के इक्वल। कन्वर्स पार्ट भी प्रूव हो जाएगा, यही आपके पास आपकी कैरेक्टराइजेशन ऑफ टी टू स्पेस। उसके बाद आपके पास है ए सीक्वेंस एक्स एंड ऑफ ए पॉइंट्स इन ए टोपोलॉजिकल स्पेस एक्स कन्वर्स टू ए पॉइंट एक्स बिलोंग्स टू एक्स।
यानी सीक्वेंस आपने इससे पहले सीक्वेंस पढ़ी है, सीक्वेंस का कन्वर्जिंग पॉइंट भी पढ़ा है। अब टोपोलॉजी में कि आपके पास टोपोलॉजी में x n आपके पास कोई सीक्वेंस है, ये आपकी x के ऊपर कन्वर्ज कर रही है और ये x आपका किस में बिलोंग कर रहा है, आपके x में टोपोलॉजिकल स्पेस में, ठीक है। तो कह रहे ये इसके ऊपर कन्वर्ज कब करेगी, जब आपके पास देयर एग्जिस्ट ए ओपन सेट, ये इसके ऊपर कन्वर्ज कर रही है। इसका मतलब है कि इसके पास एक ओपन सेट है जी, जो किसको कंटेनिंग कर रहा है, कंटेनिंग एक्स, एक्स उसके अंदर है। देयर एग्जिस्ट ए पॉजिटिव इंटीजर एम सच डेट, पॉजिटिव इंटीजर एम है आपके पास सच डेट एक्स एन बिलोंग कर दिएगा जी में, कब, जब आपका फॉर एवरी एन इज ग्रेटर देन इक्वल टू एम, कि एम टाइम्स के बाद जितने भी आपके n की वैल्यू आएंगी, m प्लस वन, m प्लस टू, आपकी जो भी वैल्यूज हैं उनके लिए आपकी सीक्वेंस किसके अंदर बिलोंग कर जाएगी, आपके g ओपन सेट के अंदर जिसके अंदर ऑलरेडी x है। तो आप क्या कहोगे कि x n कन्वर्ज कर रही है x के ऊपर। ए सीक्वेंस विल बी कॉल्ड कन्वर्जेंट इफ एंड ओनली इफ देयर इज एटलीस्ट वन पॉइंट टू विच इट कन्वर्ज, कि कह रहे हैं कि एक सीक्वेंस को कन्वर्जेंट कब कहोगे, कि कम से कम उसमें एक ऐसा पॉइंट हो, कम से कम एक पॉइंट ऐसा हो सीक्वेंस के लिए जहाँ पे वो कन्वर्ज करे। आपके पास एक रिमार्क है, कह रहे हैं इन ए आर्बिट्रेरी टोपोलॉजिकल स्पेस इज सीक्वेंस नीड नॉट कन्वर्ज टू ए यूनिक लिमिट, कि आपके पास कोई भी आर्बिट्रेरी टोपोलॉजिकल स्पेस ले लिया आपने, तो आपके पास जो सीक्वेंस है ज़रूरी नहीं है वो यूनिक पॉइंट लिमिट के ऊपर ही कन्वर्ज करे। जैसे एग्जाम्पल में ले लिया इसने इनफाइनाइट डिस्क्रीट स्पेस, इनफाइनाइट डिस्क्रीट स्पेस में आपको पता है कि आपके पास क्या, एवरी सीक्वेंस कन्वर्ज टू एवरी पॉइंट ऑफ द स्पेस, कि आपके पास जितनी भी सीक्वेंस होंगी सभी आपने हर एक पॉइंट के ऊपर कन्वर्ज करेंगी। जैसे आपने मान लिया लेट एक्स एन आपके पास के एक सीक्वेंस है इन इन डिस्क्रीट स्पेस एक्स के अंदर, एक्स बिलोंग करेगा एक्स के अंदर, तो आपके पास यहाँ पे जो ओपन सेट रहेगा वो आपके पास क्या रहेगा, एक्स ही, ठीक है। तो आपके पास सिर्फ एक ही ओपन सेट है, आपके पास फाई और एक्स रहेंगे, तो आपके पास एक्स सिर्फ ओनली ओपन सेट रहेगा जो किसको कंटेन करेगा, एक्स को। तो एक्स एन भी एक्स के अंदर रहेगा, फोर एन इज ग्रेटर देन इक्वल टू वन, तो एक्स एन कहाँ पे कन्वर्ज कर गया, एक्स के ऊपर, ठीक है। तो आप क्या कहोगे, एक्स आपके यहाँ पे ये क्या आर्बिट्रेरी था, तो क्या कहोगे, एवरी सिक्वेंस इन एक्स कन्वर्ज टू एवरी पॉइंट ऑफ एक्स, ठीक है। क्योंकि वाई एन सीक्वेंस लोगे तो आपको पता है वो वाई पॉइंट किस में रहेगा, एक्स में रहेगा, एक्स ही आपके पास एक ओपन सेट है, तो आपके पास क्या रहेगा, वाई एन सीक्वेंस इसके अंदर जाएगी, वाई पॉइंट भी इसके अंदर है, तो वाई एन किस, वाई के ऊपर कन्वर्ज हो जाएगी। तो इसीलिए कह रहे हैं एवरी सीक्वेंस इन एक्स कन्वर्ज टू एवरी पॉइंट ऑफ एक्स। उसके बाद है इन हाउसड्रॉप स्पेस एक कन्वर्जेंट सीक्वेंस है जी यूनिकली लिमिट, कि आपके पास कह रहा है कि एक हाउसड्रॉप स्पेस है तो एक कन्वर्जेंट सीक्वेंस होगी, वो आपके पास क्या होगी, यूनिक लिमिट। देखो इससे पहले जब क्या हमने वहाँ पे आपके पास आर्बिट्रेरी टोपोलॉजिकल स्पेस था, यहाँ पे जो टोपोलॉजिकल स्पेस एक्स है उसको क्या कह रहा है, टी टू स्पेस है यानी हाउसड्रॉप स्पेस है, तो आप कहोगे कि आपके पास जो कन्वर्जेंट सीक्वेंस है उसके पास क्या है, यूनिक लिमिट है, ठीक है। तो इसको प्रूव करने के लिए हम क्या, सबसे पहले एक्स को हाउसड्रॉप स्पेस लेके चलते हैं, कि आपके पास जो एक्स है ये आपका क्या है, हाउसड्रॉप स्पेस है। एक्स आपने टी टू स्पेस ले लिया, फिर एक सीक्वेंस लेंगे एक्स एन सीक्वेंस लेंगे जो किसके अंदर है, आपके एक्स के अंदर सीक्वेंस है। अब आपको क्या दिखाना है कि ये सीक्वेंस एक यूनिक लिमिट पॉइंट के ऊपर कन्वर्ज हो, तो यूनिक के लिए हम यहाँ से कॉन्ट्राडिक्शन में मान के चल रहे हैं कि ये जो कन्वर्ज करेगी ये दो पॉइंट्स के ऊपर कन्वर्ज करेगी, एक एक्स और एक एक्स स्टार, कॉन्ट्राडिक्शन दिखा देंगे, तो ये यूनिक पॉइंट के ऊपर कन्वर्ज कर जाएगी। यदि ये टू पॉइंट्स के ऊपर कन्वर्ज है और ये दोनों आपके इक्वल नहीं है, ठीक है, तो आपको पता है आपका एक्स क्या है, टी टू स्पेस है, उसके पास दो पॉइंट्स हैं जो इक्वल नहीं है, तो टी टू स्पेस की डेफिनेशन से क्या आ जाएगी, आपके पास दो ओपन सेट एग्जिस्ट करेंगे, देयर एग्जिस्ट टू डिसजॉइंट ओपन सेट, ठीक है, डिसजॉइंट ओपन सेट्स हो जाएंगे। ओपन सेट्स आपने क्या ले लिए, जी एंड जी स्टार, ठीक है, एक्स आपका जी में बिलोंग कर रहा है एंड एक्स स्टार आपका जी स्टार में बिलोंग कर रहा है, ठीक है, आपके पास आ गई। फिर आपको पता है कि एक्स एन जो सीक्वेंस है हम यहाँ पे लगाएंगे वो किसके ऊपर, एक्स के ऊपर कन्वर्ज कर रही है, तो देयर एग्जिस्ट एन पॉजिटिव इंटीजर एम वन, डेफिनेशन लगा दो आपकी, आपके पास एक पॉजिटिव इंटीजर एम वन एग्जिस्ट करेगा सच डैट कि उस आपके पास क्या है, एक्स एन किसके अंदर बिलोंग कर जाएगा, जी के अंदर, फोर और एन इज ग्रेटर देन इक्वल टू एम वन, हो जी गई। उसके बाद आपके पास सेकंड क्या है, जी स्टार वाले में भी है, यानी एक्स एन आपके पास क्या कह रहे हैं कि एक्स
एन है ये आपकी किसके ऊपर कन्वर्ज होगी, एक्स स्टार के ऊपर। यहाँ पे भी डेफिनेशन लगा दो, देयर एग्जिस्ट ए पॉजिटिव इंटीजर एम टू, या फिर एम डैश लगा लो एम टू, सच डेट एक्स एन बिलोंग्स टू जी स्टार फॉर एवरी एन इज ग्रेटर देन इक्वल टू एम। ठीक है, कह रहे हैं आपके पास ये M1 है, ये आपके पास मान लो M2 है, तो आपके इन वाली के बाद में आपका कंप्लीट जितनी भी वैल्यू जाती हैं वो आपकी किस में चली जाती हैं, इस G में चली जाती हैं, इसके बाद की, इसके बाद की। ठीक है, तो इसका मतलब क्या है कि ये यदि आपका M2 सबसे बड़ी वाली वैल्यू है M1 M2 में, तो M2 के बाद दोनों की वैल्यू आपकी G में जा रही है। ठीक है, यही आपके वो है ना कि दोनों की वैल्यू जाएंगी, तो आप यहाँ से क्या लिख सकते हो कि m आपने मैक्सिमम ले लिया, आपके m आपने मैक्सिमम वैल्यू ले ली आपकी g1 m1 और m2 की। इसका मतलब क्या है कि xn आपकी g में बिलोंग कर रही है एंड xn आपकी किस में बिलोंग कर रही है, g स्टार में, फॉर एवरी n इज ग्रेटर देन इक्वल टू m। ये आपकी g में थी और ये आपकी क्या है, g स्टार में। ठीक है, आपकी ये वाली, तो इसके बाद क्या दोनों इसमें, लेकिन ये देखो आपके पास आपने क्या कहा कि जी और जी स्टार ये दोनों आपके पास क्या है, डिसजॉइंट, कुछ भी कॉमन नहीं है, लेकिन आपने तो एक्स एन ही दिखा दी इन दोनों के अंदर। इसका मतलब क्या कि कॉन्ट्राडिक्शन है, कॉन्ट्राडिक्शन है, तो आप क्या कहोगे कि एक्स एन सिक्वेंस है ये क्या करेगी, यूनिक लिमिट पॉइंट के ऊपर ही कन्वर्ज करेगी। हम कह रहे हैं ऊपर वाले स्पेस का कि आपके पास सीक्वेंस है वो यूनिक लिमिट पॉइंट के ऊपर कन्वर्ज कर रही है, तो जो स्पेस होगा वो टी टू स्पेस, ये जरूरी नहीं है कि वो स्पेस क्या हो, टी टू स्पेस। जैसे एग्जांपल दे दिया, इसने एक्स आपके पास क्या अनकाउंटेबल सेट है, ठीक है, तो जे आपके पास क्या को काउंटेबल टोपोलॉजी हो जाएगी उन एक्स के ऊपर, तो जितने भी कन्वर्जेंट सीक्वेंस एक्स के पास रहेंगी सारी क्या रहेंगी, यूनिक लिमिट रहेंगी, लेकिन एक्स जे आपको पता है कि आपके पास क्या है, टी टू स्पेस नहीं है। उसके बाद आपके पास ये थ्योरम इम्पोर्टेंट है, ये थ्योरम आगे यूज हो रही है। आपके पास क्या कह रहा है कि एक्स एन इज ए सीक्वेंस ऑफ डिस्टिंक्ट पॉइंट्स ऑफ ए सबसेट ई ऑफ ए टोपोलॉजिकल स्पेस एक्स विच कन्वर्ज टू ए पॉइंट एक्स बिलोंग्स टू एक्स, तो एक्स आपके पास क्या रहेगा, लिमिट पॉइंट ऑफ ई रहेगा। ठीक है, तो हम यहाँ से क्या लिमिट पॉइंट की डेफिनेशन लगाएंगे, जी आपने ओपन सेट ले लिया जो किसको कंटेन कर रहा है, एक्स को, यानी एक्स एन सीक्वेंस जो कन्वर्ज करिए, कन्वर्जिंग की आपने क्या डेफिनेशन लगा दी कि आपके पास क्या रहेगी, ये एक्स एन कन्वर्ज कर रही है एक्स के ऊपर, तो आपको पता है इसकी डेफिनेशन में क्या चाहिए, आपको एक ओपन सेट चाहिए, तो सबसे पहले हम प्रूफ में स्टार्ट कर रहे हैं, लेट जी बी एन ओपन सेट कंटेनिंग एक्स। तो आपको पता है, आपको गिवन है सिंस एक्स एन आपकी कहाँ पे कन्वर्ज कर रही है, एक्स के ऊपर, तो देयर एग्जिस्ट एन पॉजिटिव इंटीजर एम या एन में बिलोंग कर रहा है, सच दैट एक्स एन इज बिलोंग्स टू जी, ठीक है, फॉर ऑल एन इज ग्रेटर देन इक्वल टू एम। ये आपके पास होगी कि आपके पास क्या है, एन आपका क्या ग्रेटर देन इक्वल टू एम रहेगा, तो एक्स एन आपकी जी में बिलोंग कर जाएगी। अब आपको पता है कि आपके पास सीक्वेंस जो रहेंगी एक्स एन, ये आपके पास क्या एक्स एन में जितने भी टर्म्स है वो आपके पास क्या डिफरेंट टर्म्स हैं, आपने पता है सीक्वेंस में क्या होती है, इन्फिनिटी टर्म्स होती हैं, तो हम कह रहे हैं कि ये आपके पास क्या कह रहा है, डिफरेंट टर्म्स की, क्योंकि एक्स एन सीक्वेंस ऑफ डिस्टिंक्ट पॉइंट, तो आपके पास इसमें जो भी टर्म्स है सारी क्या है, अलग अलग है, तो हम कह रहे हैं कम से कम एक टर्म तो आपकी ऐसी रहेगी इसके अंदर जो किसकी इक्वल आ जाएगी, एक्स की इक्वल आ जाएगी। ठीक है, और ई आपका क्या है, इसकी डिस्टिंक्ट पॉइंट्स का क्या सबसेट है, तो ई का इंटरसेक्शन करोगे आप जी के साथ, उसमें से आप एक्स को सब्ट्रैक्ट करोगे, तो आपको पता है आपके पास क्या आएगा, नॉट इक्वल टू फाइव। ठीक है, तो आपके पास ये किसकी डेफिनेशन होती है, आपकी लिमिट पॉइंट की, तो क्या कहोगे एक्स आपका क्या लिमिट पॉइंट ऑफ सेट ई। उसके बाद आपके पास नेक्स्ट है कि एफ इज ए कंटिन्यूस मैपिंग ऑफ ए टोपोलॉजिकल स्पेस एक्स इन टू ए टोपोलॉजिकल स्पेस एक्स स्टार, एक्स एन इज ए सीक्वेंस ऑफ ए पॉइंट एक्स विच कन्वर्ज टू एक्स, ये आपको गिवन है, और आपको प्रूव क्या करना है, एफ ऑफ एक्स एन ये सीक्वेंस और ये कन्वर्ज करेगी एफ एक्स, और एफ एक्स आपका किस में है, एक्स स्टार। डेफिनेशन हम सबको पता है आपकी कन्वर्जिंग की, तो डेफिनेशन ही लगी है इसमें कि आपने क्या लिया जी स्टार, आपने एफ एक्स के लिए दिखाना है एक्स स्टार के लिए, तो हमने जी स्टार क्या ले लिया, ओपन सेट ले लिया, और ये किसको कंटेन करेगा, ओपन सेट कंटेनिंग एफ एक्स। ठीक है, तो एफ एक्स को ये कंटेन कर रहा है, ठीक है, तो आपको पता है इसके लिए एक्स को भी कोई ना कोई एक सेट कंटेन करेगा। ठीक है,
इस एक्स को जो कंटेन करेगा वो आपको पता है यहाँ से क्या हो जाएगी। मान लो ये आपके पास एक्स वाला है, ये आपके पास एक्स स्टार वाला है, ठीक है, यहाँ पे आपके पास जी स्टार है, तो आपको पता है एफ कंटिन्यूस मैपिंग है। कंटिन्यूस मैपिंग है तो आपके पास जो इधर इमेज है, इस इमेज की प्री इमेज इधर मिलेगी, तो आप क्या कहोगे कि एफ इनवर्स में जी स्टार प्री इमेज, एफ इनवर्स में जी स्टार। ये आपके पास एक ओपन सेट रहेगा, कंटिन्यूस है तो ओपन से ओपन पे जाएगी, ओपन सेट है, और ये किसको कंटेन करेगा, आपके यहाँ पे भी एफ इनवर्स लगाओगे तो क्या आ जाएगा, कंटेनिंग एक्स, ठीक है। आपके पास फिर गिवन क्या है, सिंस एक्स एन ये सीक्वेंस है, ये कन्वर्स किसके ऊपर कर रही है, एक्स के ऊपर, तो यहाँ पे आप डेफिनेशन लगा दो, देयर एग्जिस्ट ए पॉजिटिव इंटीजर एम सच दैट एक्स एन किसके अंदर बिलोंग कर जाएगी, एफ इनवर्स में जी स्टार में, फॉर एवरी एन इज ग्रेटर देन इक्वल टू एन। अब आपको पता है कि आपके पास यहाँ से एक्स एन इसमें गई है, तो यहाँ से इम्प्लाइज में आप क्या कर सकते हो, एफ ऑफ एक्स एन किस में बिलोंग कर जाएगी, आपके जी स्टार में, फॉर एवरी एन इज ग्रेटर देन इक्वल टू एन। तो आपके इसके लिए इसमें ये इसके अंदर बिलोंग कर गई, इसके अंदर बिलोंग कर गई, तो इसका मतलब क्या कि आपके पास f ऑफ x n सीक्वेंस है, ये कन्वर्ज कर जाएगी किसके ऊपर, f ऑफ x के ऊपर, ठीक है। यही आपको दिखाना था कि आपके क्या हो जाएगी, इसके कन्वर्ज कर जाएगी।